हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कि जेनेटिक सब्जेक्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मतलब जेनेटिक्स में हम मोस्टली यही पढ़ते हैं कि हमारे जीन्स में ऐसा क्या डिफेक्ट है जिसकी वजह से सर्टेन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो जो डिसऑर्डर्स होती हैं तो जेनेटिक लेवल पे हो सकते हैं या फिर क्रोमोसोमल लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली जो है सबसे पहले हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ और सिंड्रोम्स के बारे में बात करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक यही है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड सिंड्रोम्स। सो इन सर्टेन सिचुएशंस दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल रेडिएशन, फूड इनटेक और इंटरनल जेनेटिक कंडीशंस, क्रोमोसोम्स में सफर डैमेज और मे चेंज इन नंबर्स। The change in structure is called structural chromosome, and this abnormality and the change in number is called numerical chromosomal abnormalities. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला इस दोनों इतने पैरा से कि जो क्रोमोसोमल abnormalities हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, या तो structural हो सकती है या फिर न्यूमेरिकल हो सकती है। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर कोई भी पार्ट मिस हो रहा है या डिलीट हो रहा है या उसका ही पोजीशन का अलग वो हो रहा है, इधर उधर हो रहा है उसका पोजीशन, तो वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ में। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर एक क्रोमोसोम का पेयर जो है वो गायब हो गया, मिसिंग हो गया, या फिर क्या हुआ कि दो, अगर एक पेयर है उसमें दो होंगे, दो की जगह उसमें से तीन आ गए, तीन पेयर हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो भी एक एबनॉर्मेलिटी है जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। व्हेन ऑफ द पेयर इज एब्सेंट द कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमी। वही जो बताया मैंने, अगर एक पेयर कम पड़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1, 2n-1 को हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी। एंड फॉर दैट क्रोमोजोम दैट इज़ मोनोजोमी ऑफ द क्रोमोजोम वन। और ये एक एग्जाम्पल दिया है कि मोनोजोमी किस में हो सकती है, क्रोमोजोम वन में। फॉर दैट क्रोमोजोम ये वेन अ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन थ्री कॉपीज दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी। ठीक है, अगर एक ही क्रोमोजोम की तीन कॉपीज प्रेजेंट हैं तो उसको हम ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो 2n+1 जो होगा इस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्राइसोमी। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोटिस दैट बोथ मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी कम अंडर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एनियोप्लोइडी। सो जो ये दोनों मोनोसोमी और ट्राइसोमी हैं, इनकी एक और ब्रॉड कैटेगरी है, जैसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम एनियोप्लॉइडी लिखते हैं तो एनियोप्लॉइडी के अंदर ही ये मोनोसोमी और ट्राइसोमी आता है। ठीक है, हाउएवर व्हेन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज मल्टीप्लाइड दैट इज 23 × 3, 23 × 4, द कंडीशन इज कॉल्ड प्लॉइड। The artificial breeding of plant has resulted in several polyploid varieties that we commonly use in our food. For example, bread wheat has 6 sets of chromosome, yani hexaploid. तो मतलब जैसे जैसे ploidies बढ़ती जाएंगी उसको हम उसी का prefix देते जाएंगे, जैसे hexa, ठीक है, अगर तीन है तो tri, चार है तो tetra, पाँच है तो penta और 6 है तो hexa. कैबेजेस और मस्टर्ड्स। तो ये जो हमारी ट्राइसोमीज हैं, मोनोसोमीज हैं और ये जैसे कि हेक्साप्लॉइडी, तो ये इसका भी एक बायोलॉजिकल यूज़ भी है, जिसके जैसे हम क्या कह रहे हैं कि ब्रेड व्हीट में यूज़ होता है। अब आते हैं अगले इस पर, जैसे कि टेट्राप्लॉइडी। लाइकवाइज एप्पल आर ट्राइप्लॉइड, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रॉबेरी एंड शुगर केन आर ऑक्टोप्लॉइड, यानी कि इसमें 8 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बोथ स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंजेस कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फिनोटाइप कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेज और सिंड्रोम। तो दोनों ही स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो डिजीज या सिंड्रोम कॉज करने के लिए सक्षम है। सो हम पहले किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।